दोस्तों, मैंने फ़्लिपकार्ट से बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच मंगाया था जिसकी कीमत थी 1309 रुपये। जब डिलीवरी बॉय इसे डिलीवर करने आया तब मैंने उससे बोला कि आप इसे अनबॉक्सिंग भी करके दिखाओ। डिलीवरी बॉय ने मेरी बात को नहीं काटा, वो अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लास्ट में दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ आप सभी वीडियो में ज़रूर देखें। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को एक बार कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन से फ्लिपकार्ट से तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये गाड़ी की चाबी से बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों बॉक्स जल्दी खुल नहीं रहा था बंदे से, तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों बॉक्स को खोल लिया गया है। बॉक्स को खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने स्मार्ट वॉच कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं बॉक्स के अंदर से एक चार्जर भी निकला है। ये ऑन करके देखो जरा एक बार, सारा कर लियो तो ये भी कर लो। चार्ज नहीं होती ना ये। यहाँ पर दोस्तों मेरा वॉच अनबॉक्सिंग हो चुका था। मैंने डिलीवरी बॉय से बोला कि आप इसे ऑन करके भी दिखाओ। जब डिलीवरी बॉय दोस्तों वॉच को चालू करने लगा तो वॉच हमारा चालू नहीं हो रहा था। ऐसे में दोस्तों मैं घबरा गया, लगता है कि मेरा 1309 रुपये पानी में चला गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, डिलीवरी बॉय ने बोला कि इसमें चार्जिंग नहीं है, घर पे जाकर एक बार चार्ज करके ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं पेमेंट पहले कर चुका था ऑनलाइन, तो दोस्तों मैं वॉच को वापस भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों मैं क्या किया, वॉच को घर पर ले आया। घर पर लाकर दोस्तों मैंने उसे चार्ज पर लगा दिया। करीब 5-10 मिनट चार्ज पर लगाया तब जाकर दोस्तों चार्ज होना स्टार्ट हुआ। पहले तो दोस्तों चार्ज पर लगाते ही मुझे लगा कि ये वॉच ही ख़राब है, लेकिन दोस्तों मैं 5-10 मिनट उसे वॉच को चार्ज पर लगा के रखा तो दोस्तों मेरा वॉच चालू हो चुका था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर मेरा वॉच चालू हो चुका है। तो फटाफट दोस्तों आप सभी कॉमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके पास में कौन सा स्मार्ट वॉच है, कौन से कंपनी का स्मार्ट वॉच है।